जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। कुछ प्रश्न हमारे लिए एक ऐसी उलझन बन जाते हैं जिनके उत्तर हमें सही तरीके से मिल नहीं पाते, और उन प्रश्नों में हम इतने उलझते हैं कि हम अपनी दिनचर्या के अंदर हर चीज़ घबरा घबरा के करते हैं, डर डर के करते हैं। इसी प्रश्नों की लिस्ट में एक प्रश्न पूजा को लेकर आता है। बहुत सारे लोग इस बात से ही भयभीत रहते हैं कि पूजा का सही तरीका क्या होता है, पूजा में यूज़ करने वाली सामग्रियों का हमें क्या करना चाहिए, पूजा की सामग्रियाँ किस प्रकार लानी चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बातें बहुत सारी होती हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक करके उनके उत्तर देने की कोशिश करती रहती हूँ। तो आज भी आप ही के आए हुए एक प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। आपने मुझसे पूछा कि जो रुई की बत्ती हमारे दिए में बची हुई रह जाती है उसका हम क्या करें। एक प्रश्न मेरे पास आया कि हमें कौन से दिन कौन सा दिया जलाना चाहिए, किस बत्ती को किस दिन दिए में लगाकर हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा की बत्ती और दीपक को लेकर इतने सारे सवाल थे, तो मुझे तो आपके सामने जवाब लेकर आना था ही। आज आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। सोमवार के दिन घी का दीपक जलता है, और घी के दीपक की बत्ती जो होती है वो फूल वाली होती है, या फिर आप 5 बत्तियों वाला दीपक उस दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप लंबी बत्ती का दीपक जला सकते हैं, आप चाहें तो चमेली के तेल का दीपक भी अपने घर के अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो घी का दीपक आप लगा सकते हैं। बुधवार के दिन आप गोल यानी कि फूल वाली बत्ती को ही अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करेंगे और काय का दीपक लगाएंगे, घी का। गुरुवार के दिन आप लंबी बत्ती घी के दीपक में लगा सकते हैं और साथ में इसके अंदर चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप केसर की पत्तियां भी डाल सकते हैं। शुक्रवार के दिन रुई की बत्ती की जगह आप मूली की बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबी बत्ती लगा सकते हैं। आप एक मुखी ही बत्ती का यूज करेंगे, मतलब एक ही बत्ती लगाएंगे। शनिवार के दिन आप घर के अंदर तेल की बत्ती लगा के पूजन कर सकते हैं और लंबी बत्ती लगाकर आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस दिन आप 2 मुखी दीपक भी अपने घर के अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं, बत्ती लंबी ही होगी। अगर आप उस दिन किसी पेड़ के नीचे, जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी जी के पेड़ के नीचे आप कोई दीपक रख रहे हैं, चाहे वो तेल का है चाहे वो घी का है, तो आप 4 मुखी रख सकते हैं। मंदिर में जाकर आपको एक मुखी ही दीपक प्रज्वलित करना है। रविवार के दिन आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर 3 बत्ती का, 5 बत्ती का, 7 बत्ती का या 9 बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप तेल का दीपक लगा सकते हैं और आप चाहें तो आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं। रविवार के दिन घर के अंदर आप फूल बत्ती को ही लगाएंगे और घी का दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। घी का दीपक आप अगर सुबह सूर्य उदय के समय अगर अपने घर में प्रज्वलित कर देते हैं और उसे संध्या तक जलने देते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद आपको प्राप्त होते हैं। जब भी हम कोई भी बत्ती यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने सुबह बत्ती लगाई, तो शाम को जब आप अपने दीपक को पुनः प्रज्वलित कर रहे हैं तो पुरानी बत्ती हटा दीजिए, चाहे वो पूरी जली चाहे नहीं जली। वैसे हमारे यहाँ तो बत्ती पूरी जल जाती है क्योंकि हम हल्का सा उसके अंदर कपूर भी छिड़क देते हैं, पर अगर आपकी बत्तियाँ रह जाती हैं नीचे से पूरी नहीं जल पाती हैं, तो आप उन्हें एक जगह एकत्रित करते रहिए। अभी बाद में बताऊँगी इसका भी एक उपाय होता है। इसके पश्चात आप जब शाम को दीपक प्रज्वलित करें तो आपको दीपक हमेशा साफ सुथरा करके नए तरीके से नई बत्ती लगा के प्रज्वलित करना चाहिए। सोने का दीपक आपको अपने घर के अंदर
सिर्फ दीपावली के दिन जलाना चाहिए अगर आपके पास है तो। चांदी के दीपक को आप हर पूर्णिमा को सोमवार को यूज़ कर सकते हैं। पीतल के दीपक को आप किसी भी दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। पंच धातु से बने हुए दीपक से अगर आप मंगलवार और शनिवार का पूजन करते हैं तो इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। मिट्टी के दीपक को अगर आप बुधवार के दिन अपने घर में जलाते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। दीपावली पे जलाया ही जाता है, एकादशी पे भी जलाया जाता है, साथ ही साथ में अमावस्या में पितरों के नाम का जो दिया होता है वो भी अगर आप मिट्टी का लगाएं तो इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। अगर आप कोई विशेष पूजन कर रहे हैं, कोई विशेष पूजा आपने रखी है और उसमें आप अगर आटे का दीपक लगाते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर आप आटे का दीपक मंगलवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में जलाकर आते हैं तो इससे आपको लाभ होता है। अगर शनिवार के दिन आटे का दीपक अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर रखाते हैं तो इससे आपको लाभ होता है। अगर तंत्र मंत्र पर्यंत्र या किसी तरह का किया कराया टोटका नज़र बाधा को हटाने के लिए आप कोई उपाय कर रहे हैं दीपक का, तो आपको चौराहे पर जाकर एक घी का दीपक जो कि आप आटे के दीपक में लगा कर रख के आएंगे आपको प्रज्वलित कराना चाहिए। अगर आप अपनी कुल देवी का पूजन करने जा रहे हैं तो आपको 5 तरह के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, जिसमें एक आटे का दीपक होगा, एक आपका मिट्टी का दीपक होगा, एक आपका पंच धातु का दीपक होगा, एक आपका चांदी का दीपक होगा और अगर संभव है तो एक आप पीतल का दीपक लगाइए। अगर पीतल का नहीं लगा सकते हैं तो 5वां दीपक, अगर आप इनमें से कोई भी एक दीपक नहीं जला पाते हैं, जैसे कि चांदी का नहीं ले जा सकते या पंच धातु का नहीं ले जा सकते, तो आप एक दीपक उसके अंदर थोड़े से चावल डालकर मिट्टी का दोबारा बना लीजिए और उससे जला दीजिए, वो इक्विवेलेंट उसी का काम करेगा। अगर आप बाकी भी कुछ और नहीं कर पा रहे तो 2-3 ऐसे दीपक बना लीजिए जिसके अंदर आप गेहूं डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, तो आप अगर धातु नहीं ले जा पा रहे हैं ना तो वो भी उसी का कार्य कर देगा। इसी प्रकार अगर आप कोई विशेष पूजन कर रहे हैं, अपने घर में किसी चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं, तो घी का दीपक जलाइए, बत्ती लंबी रखिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसमें बत्ती लंबी रखनी चाहिए, चाहे वो तेल का दीपक हो चाहे वो घी का दीपक हो, क्योंकि अखंड दीपक कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ घी का ही जलाएं, तेल का भी जला सकते हैं। घर में और व्यापार स्थल में पूजाओं का अंतर आ जाता है। अगर आप किसी व्यापार स्थल पर कोई दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर दीपक की बत्ती हमेशा लंबी रखनी है, फूल वाली बत्ती कभी नहीं जलती है। अगर आप अपनी दुकान अपने व्यवसाय स्थल के बाहर दीपक जलाते हैं, कई लोग जलाते हैं, एक तरीका होता है ये, वो वही समझ पाएंगे जो लोग ये कार्य करते हैं, यहाँ पे सार्वजनिक नहीं बता सकती मैं उस चीज़ को। तो अगर आप वो जलाते हैं तो उसके अंदर आपको हमेशा लंबी बत्ती का ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपने गल्ले का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से अगर आपने अपने कार्यस्थल पर श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना कर रखी है, आपने कुछ और विशेष चीज़ें अपनी दुकान पे रख रखी हैं, जैसे कि बिल्ली के जेर हो गई, जैसे कि इंद्रजाल हो गया, जैसे कि आपका सियाल सिंगी हो गया, जैसे कि मोती शंख हो गया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम नाना प्रकार की चीज़ों को स्थापित करके अपने गल्ले या तिजोरी में स्थापित कर देते हैं और व्यापारी लोग हर शुक्रवार को इसकी पूजा ज़रूर करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों की पूजा कर रहे हैं तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए, चांदी के धातु में चांदी का दीपक होगा, घी का दीपक होगा और बत्ती इसमें जो लगेगी वो फूल वाली लगेगी। अगर आप अपने दुकान की नज़र उतार रहे हैं या आप नज़र उतारने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लंबी बत्ती का ही प्रयोग करना है, उसके अंदर आप कभी भी गोल बत्ती का यूज़ मत करिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम नहीं रखते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो लोग बत्ती से जब बच्चे की नज़र उतारते हैं तो उसमें भी गोल बत्ती यूज़ कर लेते हैं, घी से के दीपक से भी उतारने की कोशिश करते हैं, मतलब घी की बत्ती से भी उतारने की कोशिश करते हैं। नहीं, नज़र हमेशा तेल की बत्ती से उतरती है और लंबी बत्ती ही होनी चाहिए, उसी से उतरेगी। कुछ चीज़ों की कुछ विशेषताएँ होती हैं, इनको हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर आपने गणपति विराजमान कर रखे हैं और आप अगर बुधवार के दिन, वैसे लगाना चाहिए हर इंसान को अपने घर के मुख्य द्वार पर बुधवार के दिन एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए सुबह के समय। ऐसा करने से ना घर के अंदर कभी भी विघ्न बाधाएं प्रवेश नहीं करती, ये भी एक उपाय है, आज नहीं बताया है तो अब बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है गणेश जी को प्रवेश द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करना है वो हमेशा घी का होना चाहिए और मिट्टी का होना चाहिए,
वहाँ धातु का यूज़ मत करिए। अगर आप कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई मंत्र सिद्धि कर रहे हैं या आप किसी पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ एक पर्याप्त मात्रा में उठा रहे हैं, कोई मंत्र उच्चारण है जिसे आपने कह दिया मैं 1.25 लाख करूँगी, मैं 2.5 लाख करूँगी, मैं 5 लाख करूँगी, इस तरीके से कर रहे हैं, तो दीपक जो होते हैं वो साक्षी होते हैं हमारी पूजा के, एक साक्षी होते हैं हमारे और हमारे ईश्वर के बीच होने वाली उस क्रिया के। तो उन दीपक को साक्षी रखने के लिए उनकी अपनी एक विशेषता होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप इस तरह की कोई सिद्धि करें या आप इस तरह की किसी चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करें, आप किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करें, लोग हनुमान चालीसा उठाते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हनुमान चालीसा को जब हम पूजा करते हैं, हम जब पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, गणेश चालीसा करते हैं, कोई भी चालीसा जब हम करते हैं, या हम 22 दिन का सुंदरकांड उठा लेते हैं, 40 दिन का सुंदरकांड उठा लेते हैं, जब हम ऐसी कोई चीज़ को उठाते हैं, जब हम अपने प्रभु को उसको समक्ष रख रहे होते हैं, नौ दुर्गा के जब हम व्रत रख रहे होते हैं, तो हम 9 दिन पाठ करते हैं, कई लोग तो अखंड ज्योत रखते हैं, कई लोग नहीं रख पाते हैं। तो जब आप ऐसी कोई पूजा कर रहे हैं या जब आप ऐसी कोई चीज़ करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, किसी पाठ को सिद्ध कर रहे हैं, तब आपको अपने दीपक के ऊपर हमेशा 5 बिंदियाँ, 5 तिलक आपको रोली के ज़रूर लगा देने चाहिए। उसमें जो बत्ती होगी आपकी, वो आपकी हमेशा फूल की बत्ती होगी। आरती में जो बत्ती आप यूज़ करेंगे वो कभी लंबी बत्ती यूज़ मत करिएगा मेरी जान, हमेशा कोशिश करिए आरती की बत्ती जो होती है वो फूल वाली होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ रह गई हो तो कमेंट करिएगा, मैं अगली बार ज़रूर आपको बताऊंगी। अब आपको विशेष चीज़ बताती हूँ कि पूजा में बची हुई बत्तियों का क्या करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ उसे फोल्ड करते हैं, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, जाके जमुना जी में, गंगा जी में बहा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जाकर पीपल के नीचे रखाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गड्ढे के अंदर दबा देते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप गड्ढे के अंदर दबाएँ, लेकिन अगर आप ये सब कुछ भी करते हैं ना, तो आप ये उपाय भी करके देखिएगा। हमारे जीवन के अंदर हमारे 9 ग्रहों का बहुत प्रमुख रोल होता है। हमारे 9 ग्रह हमारे जीवन में आए दिन किसी ना किसी तरीके से हमें शुभ और अशुभ फल देते रहते हैं। इनसे हमेशा बच के रहने के लिए या इनकी हमेशा आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हमें कुछ उपाय अपने घर में सीधे तरीके से कर लेना चाहिए। आप हर महीने की अमावस से ये कार्य चालू करिए, अपने घर की बत्तियों को संजोना चालू करिए, मतलब रखना चालू करिए, और आप पूर्णिमा के दिन आप ये सारी की सारी जो बत्तियाँ आपकी इकट्ठी हुई हैं ना, इन्हें आप एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और उसे आप गाय के कंडे के ऊपर रख कर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कपूर डालकर जला लीजिए। जब तक ये जलती रहेंगी तब तक आपको बैठ कर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका जाप करते रहना है। और मंत्र क्या है, ओम नमः शिवाय। जब आपका ये मंत्र चलता रहेगा और ये आपकी बत्तियां जो है ये प्रज्वलित होती रहेंगी, थोड़ी देर में ये धीरे 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 करके भस्म बन जाएगी ना भस्म। तब इस भस्म को आप एक डिब्बी के अंदर, जब ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, एकदम ठंडी हो जाएगी, तब एक डिब्बी के अंदर आप इसको भर के रख लेंगे। उसके अंदर आप एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा डाल देंगे और उस भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर आप लिख देंगे ह्रिम, ह के नीचे एक ऐसी र की मात्रा और ह ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ आता है, मैं लिख के भी भेज दूंगी आपको, ह्रिम। इसको आप इसके अंदर डाल के रख देंगे। अब आप जब भी कोई ज़रूरी काम के लिए जाएँ, इस भस्म को लगा के चले जाएँ। घर में किसी को नज़र लग जाए उसको आप ये भस्म लगा दें। अगर आपका प्यार आपसे दूर है तो नित्य नियम से अपने मोबाइल के ऊपर ही उसकी फ़ोटो पर ये तिलक लगा दें। अगर आपके पति आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो अपने हाथ से, अपनी मध्य उंगली से उनके मस्तिष्क पे भस्म को लगा दें। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो आप उनको नियमित रूप से उनके कंठ पर, उनके मस्तिष्क पर ये तिलक लगा दें। अब दूसरी चीज़, अमावस से आपने चीज़ें इकट्ठी करनी चालू करी, बत्ती इकट्ठी की चालू करी, अब वो आपकी पूर्णिमा पे आपने भस्म बना ली। अब आप क्या करेंगे, पूर्णिमा से अमावस तक फिर वो बत्तियाँ आप इकट्ठी करेंगे। 15 दिन की आपकी बत्तियाँ इकट्ठी हो गई। अब आप क्या करेंगे, अमावस वाले दिन आप पुनः इसी क्रिया के साथ उस भस्म को तैयार कर लेंगे। सुबह के समय करिएगा ये कार्य
और शाम को जाकर इस पूरी भस्म को आपको एक लोटे में डालकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा आना है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, इन्हीं से हमें सुख प्राप्त हो जाता है। कोई बात रह गई हो, कोई दिक्कत आ रही हो, मैं रोज़ाना लाइव आ रही हूँ, मुझसे वहाँ इससे रिलेटेड सवाल पूछ लीजिएगा। गलतियाँ त्रुटियाँ मत करिएगा। पूजा को लेकर कोई और शंका मन में हो, मेरी जान, मुझसे आप संपर्क कर लीजिएगा। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जीवन के अंदर सूर्य, मंगल, चंद्र, कोई ऐसा योग, कोई ऐसी चीज़, काल सर्प है, पितृ दोष है, आपके जीवन में दुख दे रहा है, तकलीफ दे रही है, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए। जब हमारी कुंडली के अंदर दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो श्री हरि के आशीर्वाद से उसके समाधान देने हम जैसे आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, आपके सारथी बनकर। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।